आपका मेरे इस संकट की घड़ी में यहाँ इतनी संख्या में आने के लिए हृदय से आभार। आपके सिवा अब मेरे इस धर्म युद्ध को जौनपुर के पूज्य माताओं, बहनों और भाइयों तक पहुंचाने का कोई और सहारा नहीं है मेरे पास। मेरे पति और आपके बेटे का गुनाह सिर्फ इतना है कि वो निर्भीक है। आपकी लड़ाई में उन्होंने कभी समझौता नहीं किए हैं। उन्होंने बिना रुके बिना थके जौनपुर के लोगों की सेवा किए हैं। और जब आपकी आवाज़ को सदन तक पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ने का फैसला किया तो उनके ऊपर फर्जी मुकदमे कायम कराए गए। भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई को कोई और रूप दिया गया है। अभी जब माननीय न्यायालय ने बहस के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था तो भी ये लोग बौखलाहट में उनका जेल ट्रांसफर कर दिया किया है। इन लोगों के अंदर माननीय न्यायालय के फैसले का भी इंतजार करने का या उसका सम्मान करने का साहस नहीं है। मेरे पति के ऊपर जिन लोगों ने AK-47 से जानलेवा हमला किया था और जिनको माननीय न्यायालय से उनके अपराध की सजा मिलनी भी निश्चित है, वो लोग सजा से बचाने के लिए लगातार प्रयासरत है और सत्ता से साठगांठ करके आज मेरे पति की हत्या का प्रयास कर सकते हैं या उनको अन्य किसी फर्जी मुकदमों में फंसाने का साजिश कर सकती है, क्योंकि मेरे पति ही इस केस में एक ही गवाह है। आज मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि विपक्ष और अन्य दलों की सरकार बनाने पर आप मंगलसूत्र चीन जाने की बात करते हैं, लेकिन आज आपकी सरकार में मैं ही मेरे मंगलसूत्र और सिंदूर पर संकट है। मैं आपसे अपील करती हूँ, मेरी भी मंगलसूत्र और सिंदूर की रक्षा करिए। बाबा साहेब के देश में जनता की सेवा में अपना सर्वस्व न्योछावर करने के बाद चुनाव लड़ने की इच्छा रखने की सजा मेरी पति को इस साजिशों से नहीं मिलेगी। ऐसा मुझे माननीय न्यायालय के न्याय और देश के संस्थाओं के कारण विश्वास है। आज मैं पुरुषार्थ और जज्बे की धरती जौनपुर के अपने सभी परिवार जनों से अपील करती हूँ कि आगे आए और एकजुट होकर अपने बेटे की अन्याय की विरोध इस लड़ाई में उनका साथ दे दीजिए। अब आज के बाद ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, अब ये लड़ाई जौनपुर के हर एक व्यक्ति को लड़नी है। ये लड़ाई किसी एक जाति या धर्म की नहीं है, ये लड़ाई होगी अपने बहू के सिंदूर और मंगलसूत्र को बचाने की, आपके अपने बेटे के जान को बचाने की, जौनपुर का सम्मान को बचाने की। आप सबके सामने में अपना आंचल फैलाकर हूँ कि अपना प्यार, आशीर्वाद और साथ मेरी झोली में डाल दीजिए ताकि संकट की इस घड़ी में मुझे ताकत मिल सकते और मैं आपके बेटे और अपने सुहाग की रक्षा कर सकती हूँ। मैं आज बहन मायावती जी का हृदय से आभार जताना चाहती हूँ कि जौनपुर के सम्मान को बचाने की इस लड़ाई में उन्होंने हमारा हाथ थामा है और अपना आशीर्वाद दिया है। मैं आपकी बहू हूँ, आज आपके बीच आए हूँ। मेरा सिंदूर, मेरा मंगलसूत्र में मेरे पति धनंजय सिंह जी को दूसरे जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। ऐसा क्या वजह है आई जो ऐसा करना पड़ा? इस समय मुझे मेरी बच्चों, मेरी परिवार को खतरा है। मेरे पति पर हत्या का प्रयास किया जा सकता है। आज मैंने जनता की अदालत में हूँ, आप ही फैसला करें।
धन्यवाद। पहले इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं बताया कि जुडिशियरी के ऊपर मेरा पूरा विश्वास था, क्योंकि ये केस मेरिट था, इसीलिए हमको मालूम था इसको, और बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ बेल आने के लिए। आगे क्या स्टेप है? आज जो सांसद जी को जेल शिफ्ट किया गया उस पर क्या कहना है? हाँ, वो तो गलत हुआ है, पता नहीं इतना जल्दी क्या जरूरत थी, वेट कर सकते थे कि जुडिशरी का जो ऑर्डर आने तक। बहुत शायद अपोजिशन लोग बहुत डरे हुए हैं, मतलब आप विपक्ष डरा हुआ इसलिए उनको जेल शिफ्ट किया गया है। और क्या, वो तो पहले दिन से ही पता है, जब से आए हैं उनको, जब इधर अपोजिशन लोग आए हैं अगली दिन उनको अरेस्ट हो जाते हैं, और फिर कंटिन्यूसली यही चलता है कि उनका जेल शिफ्ट करने का।